Hello everyone, welcome to my channel Com Scholar. In this lecture video we are going to discuss case number 5, that is how to file ITR 2. So first read the question very carefully. Name of the SSC Ram Singh Anand, father's name Amar Singh Anand, PAN number is given, date of birth that is 7th of July 1986. So 1986 that is 14 plus 22. So that means uski age at present jo hoge that is 36, right? Then address given to you, mobile number, email address, residential status ke given dekhi, residential and ordinary resident. He was in India for 310 days during the previous year 21-22. Then name and address of employer given to you, PAN number also given, director of a company, known shareholding in unlisted company, nil, number of banking on holding 1. Alright, then coming to income from salary section, he is withdrawing basic salary 86 lakh, transport allowance HRA that is exempt from cell tax and chargeable tax. देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप ध्यान देगा, बिकॉज जो केस नंबर 5 है आपका, यहाँ से अब आपका थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट हो जाएगा. ऑलराइट, अब तक हमने जो केस 4 तक जितने भी किया वो हमारे टोटल से बेसिक थे, राइट? सो यहाँ से अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. देखिए एचआर यहाँ पर आपको क्या गिवन है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड चार्जेबल टू टैक्स. अगर आपको याद हो, जब हम सैलरी का सेक्शन करते थे एक्सेल शीट में, तो आपको क्या लिखना था, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर. अब वो गिवन नहीं है, ठीक है, बट आपने देखिए थ्योरी में अच्छे से किया हुआ है. सैलरी में एग्जेम्प्ट अगर गिवन है, चार्जेबल गिवन है, अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो क्या रहेगा, दैट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर. 20,000 मिला और 9,000 मिला, 29,000 मिला, 29 में से 20 तो एग्जेम्प्ट हो गया, तो चार्जेबल कितना रहेगा, 9,000. ऑलराइट, सो एग्जामिनर समटाइम्स आपको इस तरह से भी दे सकता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, जस्ट सिंपली यूज द कॉमन सेंस. देन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगेन यहाँ पे फुल एग्जेम्प्ट गिवन है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो दैट मीन्स जितना अमाउंट मिला उतना ही एग्जेम्प्ट हो गया. देन लीव सैलरी फुल्ली टैक्सेबल दैट इज 6,000. यहाँ पर क्या बोला, फुली टैक्सेबल है और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सो जितना मिला उतना ही ये टैक्सेबल हो गया. देन LTC रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अब यहाँ पर दे दिया कि रिसीव कितना हुआ, 34,000, एग्जाम कितना हो गया, 30,000. सेम फॉर कन्वेंस अलाउंस, रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर 12,000, एग्जाम 11,000. देन कमिंग टू हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन, एंड दिस इज फॉर बींग लेट आउट. रेंट रिसीव दैट इज 21,40,000. Municipal tax paid by the SSC 80,000. Interest on borrowed capital for purchase of house property that is 5,10,000. And you know very well that in the case of let out there is no limit. Then brought forward loss for assessment year 2021-22 of the house property. अच्छा, यहाँ पर अब आपको एक नया जो है information provide करी है जो अब तक हमने नहीं की थी. क्या लिखा हुआ है कि देखिए, for the assessment year 2021-22, यानी कि इसलिए पिछले साल में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आया था कितना, 71,000 का, जो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. ऑलराइट, तो अब तक हम जो एक्सेल शीट में जो कैरी फॉरवर्ड लॉस नो करते थे ना, इस बार उसको हमें यस करना है. राइट, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको एक ब्रीफली ओवरऑल आपको आइडिया मिल रहा है कि आपको एग्जैक्टली एक्सेल शीट में क्या करना है. देन कमिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए फ्रेंड ऑन लोन गिवन टू हिम दैट इज 18,700, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कब लॉटरी का जो विनिंग डेट है दैट इज 16th of October 2021, एंड इस पर TDS कटा है 30%, सो दिस इज द नेट अमाउंट 35,000. सो ग्रोस अमाउंट कितना होगा, 50,000. हमें हमेशा एक्सेल शीट पे 50,000 करना है. राइट, इवन इन द प्रैक्टिकल जो भी आपका थियोरी जो पेपर होगा उसमें भी आपको हमेशा जो है ग्रोस अमाउंट लिखना होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी. देन इनकम टैक्स रिफंड भी मिला है कितना, दिस मच अमाउंट, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा. डिविडेंड फ्रॉम दिस मच अमाउंट, तो जितना मिला पूरा टैक्सेबल होगा. इंटरेस्ट क्रेडिटेड 1,32,930. देन डिडक्शन गिवन है, PPF रिलेटेड 120, NPS 20,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ
both of them are senior citizen. But in this case, the SSC can't claim this medical insurance premium as per section 80D. क्यों? Because father-in-law and mother-in-law की deduction नहीं मिलती, right? Then investment in national savings certificate, date of investment 1st of Jan 2019. Make sure class, this investment made not made during the relevant previous year. ये कौन सा previous year है? 1920, right? ये पिछले साल payment की है. Sorry, पिछले साल भी नहीं, ये तो preceding का भी preceding है, right? So that means इस year में तो कोई investment नहीं की, ठीक है? और investment का date कितना है? 25,000. तो इसका मतलब इस साल तो इसको इतने अमाउंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी. बट ही इज गेटिंग 8.8% पर एनम ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट एज इंटरेस्ट. तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका दो इफेक्ट आएगा. इसका देखिए दो इफेक्ट आएगा. क्या इफेक्ट आएगा? पहले हम निकालेंगे 25,000 का 8.8% जो भी अमाउंट आएगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल जाएगा, राइट? देन इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट अगेन पीपीएफ में 80C में ऐड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इट इज़ ट्रीटेड एज अ सेविंग बैंक अकाउंट, राइट? तो जो भी अकाउंट, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो आपका बैंक में ही क्रेडिट हो जाता है. एंड आपको बताया था जो पीपीएफ जो होता है वो आपका वेरी सिमिलर होता है एक सेविंग बैंक अकाउंट की तरह. तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 120 तो आएगा, बट इन एडिशन टू दिस जो अमाउंट इंटरेस्ट आएगा वो भी हम ऐड करेंगे इसमें, राइट? देन TDS कटा है दो बार, बाय एम्प्लॉयर एंड बाय लॉटरी अथॉरिटी. सेल्फ असेसमेंट हुआ है 31,000 का, एंड दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन नाउ. सो दिस इज एस शीट. नाउ लेट्स मेक सम चेंजेस हेयर. सो फॉर कैपिटल गेन, नो. 112A, नो. 112A आपको याद होगा किसके लिए होता है, दैट इज फॉर द LTCG, राइट? 115AD, अगेन नो. अदर सोर्सेस हमें चाहिए. डिटेल्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस फ्यूचर लॉस, देखो ये मैं बता रहा था, अब तक हम इसको नो करते थे, बट अब इस बार हमें यस करना है. 80G डोनेशन की तो की ही नहीं, तो उसको हम नो कर देंगे, राइट? 80D, देखिए वैसे तो कि 80D में इस बार हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की है, तो 80D में नहीं करेगी. बट क्या है कि एक्सेल शीट में इसको मैंडेटरी किया हुआ है, ऑल दो चाहे आप इसको आप चेंज कर लो नो में, बट जब उसको फाइनल जब आप वैलिड करोगे तो वैलिड होगा नहीं, तो इसको आप हमेशा यस ही करना, राइट? देन स्पेसिफिक इसको आप नो करना. 80IC, अगेन नो. चैप्टर 6 से ही तो हमें चाहिए. देन देर इज नो क्लब इन क्लबिंग इनकम. 115JC, नो. 115JD, नो. देन एग्जेम्प्ट इनकम, नो. देन दिस ऑल्सो नो. Tax relief, no. Foreign fixed assets, no. Portuguese civil code, no. Assets and liability, yes. Advance tax, yes. 15IAC, no. That's it. Now apply this. अब देख सकते हो, देखो नीचे आपकी शीट जो लिमिटेड रह जाएगी. अब देखना भी आप, ये देखिए अब शीट्स आपके पास लिमिटेड है, तो इससे क्या आपका टाइम सेव हो जाता है. नाउ फर्स्ट लेट्स फिल द पार्ट ए सेक्शन. नेम ऑफ द एसएससी, दैट इज राम सिंह आनंद राम. मिडिल नेम, दैट्स इट सिंह. लास्ट नेम आनंद. पैन नंबर इज गिवन टू यू, AANPA1207N. फ्लैट एंड एड्रेस गिवन है,
status resident, sorry, individual. Area and locality, that is railway road. Date of birth 07 07 1986. Country, sorry, city Kunnur. State Kerala. Pin code 67000003. Email address rsanand@rediffmail.com. Mobile number 7116 586 328. Then make it 134 after due date. Residence status, resident है, ROR लिखा हुआ था. Sometimes it takes little bit time, so just be patient, okay? Then coming down, status आपको लिखा था that this person is ROR and he was in India for 300 days during the previous year. So पहला option है, that is you were in India 120 days or more. तो first option ऑप्ट कर लेंगे हम. And we are not going for new tax regime, okay? Then this also makes no. And then इसको नो करेंगे बिकॉज हम तो ITR खुद ही फिल कर रहे हैं, हम किसी से नहीं, किसी रिप्रेजेंटेटिव से फिल नहीं करा रहे. डायरेक्टर की परमिशन हमें बस नहीं है, तो उसको नो करेंगे. एंड नीदर ही इज होल्डिंग any unlisted shares of any company, right? तो इसको भी नो करेंगे. Then just simply validate. Sheet is okay. Going to next, and that is schedule salary. Name of the employer आपको given, that is Tata Overseas Chemicals Limited. Sorry, Computers Limited. Nature of the employer, others. 10 of the employer, देखिए आपको given है. पीछे आपको देखो जहां पे आपके TDS जो कटा है उसमें देखा होगा 10 number. DELT 236988D. Address of the employer 6G3/393. Town or city, that is Kunnur. Pin code, that is 670012, and it automatically take Kerala. Then coming to the salary section, basic salary is mil rahi hai, amounting rupees 86 lakh. And then
उसको और क्या मिल रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो अदर अलाउंस में चला जाएगा। एचआरए मिल रहा है तो हाउस रेंट अलाउंस में हम क्या करेंगे, देखिए उसको क्या लिखा होता, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा होता, एग्जाम कितने मिल रहा है, कितना है 20,000 क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर देखिए उसको एग्जाम कितना हुआ 20,000, राइट। चार्जर भी कितना है 9,000, तो उसको मिला कितना होगा पूरा पूरा 29,000, तो हम पूरा लिखेंगे यहाँ पर 29,000, राइट। नाउ वी नीड टू ऐड सम मोर इन्फॉर्मेशन, सो हम कुछ रोज ऐड कर लेते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ऐड रोज 17-1 में, लेट्स ऐड 4 रोज, हाउस एंड हो गया। अब हमें देखिए क्वेश्चन में और क्या क्या चाहिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस चाहिए हमें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, देखिए एग्जाम कितना है 2,400 और की इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स उतना ही मिला होगा हमें, राइट। उसके बाद है आपका दैट इज लीव सैलरी, लीव सैलरी तो वो भी हम, ये रहा लीव इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन रुपीज, पूरे टैक्स वाले 6,000 और इतना मिला ही होगा, ठीक है। लीव सैलरी के बाद आपका दैट इज कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस आपको मिला कितना, दैट इज 12,000, राइट। इसके बाद आपका दैट इज एलटीसी, तो वहाँ चला जाएगा आपका परकिजिट में, एंड बस अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम क्या करेंगे, अदर अलाउंस, कितना अमाउंट मिला है, अमाउंट इन रुपीज 34,000, राइट, दैट्स इट। नेचर परकिजिट अब हम किससे के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एलटीसी के लिए, तो एलटीसी के लिए हम जाएंगे फ्री और कंसेशन ट्रैवल, अमाउंट कितना हमारा, दैट इज 34,000 मिला है, राइट। बस अब हम जाएंगे एग्जम्पशन की तरफ, कौन कौन से अलाउंसेस जो है एग्जम्प्ट हैं, हमें लीव ट्रैवल करना है, कितना अमाउंट है 10,500 के अकॉर्डिंग एग्जम्प्ट, दैट इज 30,000, 30,000, राइट। एनटीसी हो गया, इसके बाद हमें एग्जाम करना है एचआरए, एचआरए कहाँ जाएगा, 13A में होता है एचआरए, 13A में, ये रहा कितना अमाउंट हमें एग्जाम करना है, दैट इज 20,000, बिकॉज आपको क्या बने कि 9,000 टैक्सेबल है। इसके बाद है आपका 14-1 में जाएंगे आप, 14-1 किसके लिए है आपका, 14-1 है कन्वेंस अलाउंस के लिए, दैट इज 11,000, एंड द लास्ट वन वी हैव दैट इज 14-2 फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 14-2 फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दैट इज 2,400, राइट। तो देखिए आ गया आपका 86,04,000 टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी, 86,04,000, राइट, वैलिडेट हो गया आपका। नेक्स्ट करेंगे, नाउ दिस शीट इज फॉर दी हाउस प्रॉपर्टी, एड्रेस ऑफ दी 412-78 टाउन और सिटी दैट इज कुनूर, स्टेट आपका हो गया दैट इज केरला, पिन कोड आपको गिवन दैट इज, सॉरी इसमें जो हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, सॉरी, ये एड्रेस गिवन आपको 115/AB एंड टाउन और सिटी में मान लीजिए आप, तो यहाँ पर कोची, स्टेट केरला हो गया, पिन कोड आपको गिवन दैट इज 6,82,001, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ है होगा, इज द प्रॉपर्टी को ऑन, नो, टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी दैट इज लेट आउट, नेम ऑफ द टेनेंट आपको गिवन दैट इज टी मैथ्यू, राइट, एंड देन वी हैव गिवन ग्रोस रेंट रिसीव्ड, अमाउंट कितना रिसीव हुआ,
21,40,000, राइट। देन अमाउंट ऑफ रेंट विच कांट बी रियलाइज, कुछ नहीं करना। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी दैट इज 80,000। एंड देन इंटरेस्ट बर्न बोरोड कैपिटल 5,10,000, राइट। सो नाउ वी हैव द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दैट इज 9,32,000, राइट। अब इसमें आपको देखो एक और इन्फॉर्मेशन की मिलती है, अगर आप देखो ध्यान से, दैट इज दिस वन क्या लिखा हुआ, देखिए ब्रोड प्रॉफिट लॉस पिछले साल का कितना अमाउंट है, 74,000 है, उसको हमें सेट ऑफ करना है। तो वो किससे सेट होगा, पहले वो सेम हेड से होगा, दैट इज वो हाउस प्रॉपर्टी से होगा, बट वो इस शीट में नहीं आएगा, उसको अलग से करेंगे कैरी फॉरवर्ड शीट में। यहाँ देखिए इसको तो पहले हम वैलिडेट कर देते हैं, इसको हम वैलिडेट कर देते हैं, ओके। एंड देन नेक्स्ट, पहले एक बार इसको फिल कर देते हैं अदर सोर्सेज का। देखिए अदर सोर्सेज में क्या क्या बनाए इन्फॉर्मेशन आपको देखिए, अभी मैं इस पर आऊँगा कैसे करना है। अदर सोर्सेज में क्या क्या बने, देखिए ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट मिला है, लोन पे मिला है। सो ये देखिए कहाँ पर आपका आएगा, ध्यान से देखिए, अगर आप इंटरेस्ट का देखोगे तो देखो कहाँ का मिलेगा, सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट से नहीं मिला उसको, इनकम फ्रॉम टैक्स रिफंड, अगर हम बात करें उसको फ्रेंड से मिला है वो भी लोन से, तो वो यहाँ इस कैटेगरी में कहीं नहीं आएगा, इसमें भी कहीं नहीं आएगा, तो अदर्स में चला जाएगा। जितना भी अमाउंट मिला, कितना अमाउंट मिला, दैट इज 18,700, ऑलराइट। ये हो गया, इसके बाद देखिए उसको मिला है इंटरेस्ट, सॉरी विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नीचे नीचे आइए आप, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये रहा आपको इस हेड, यहाँ देखिए यहाँ पर आएगा ये 10 रुपये आपका फर्स्ट आएगा आपका। और उसने कि आपको जो लॉटरी है वो आपको कब मिली, आपको कब मिली, देखिए डेट आपको गिवन दैट इज 16th of October 2021, राइट। तो हमसे पूछना कि कौन से क्वार्टर में मिला, तो वो देखिए वो इस क्वार्टर में मिला होगा, राइट। कितना मिला होगा, हमें लिखना है ग्रोस अमाउंट हमेशा 50,000 का, राइट। एंड देन नीचे आ गया अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, नहीं हमसे नहीं पूछ रहा, दोबारा आते हैं एक बार, आई गेस आई हैव मिस समथिंग, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर भी आएगा, सॉरी ये 2 में भी आएगा 50,000, ऑलराइट। तो जो जो दो जगह आएगा, तो 2 में आएगा और एक 10 में आपको लिखना है कि किस क्वार्टर में आपको अमाउंट मिला, बट दोनों में मिशन करना है, दोनों में आपको ग्रोस अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट आपका दैट इज इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स का रिफंड, राइट। तो वो यहाँ पर आएगा आपका इनकम टैक्स रिफंड में कितना अमाउंट मिला, जितना आपको मिला है दैट इज 11,250, तो वो टैक्सेबल होगा। देन डिविडेंड मिला है 4,700 का, वो यहाँ ले देंगे 4,700। एंड देन इंटरेस्ट क्रेडिट टू सेविंग बैंक अकाउंट, वो यहाँ पर आएगा दैट इज 1,32,930, राइट। ये हो गया। अब आपको याद होगा अभी हमने पढ़ जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हमें पता है कि ये जो डिडक्शन है इसका भी कुछ को इंटरेस्ट मिला होगा, तो कितना मिला होगा 25,000 का 8.8%, दैट इज 2,200। जो जितना मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो वो हम कहाँ लिखेंगे, वो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट अक्रूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, राइट, दैट इज 2,200, दैट्स इट। तो अब इसको हम क्या करेंगे, वैलिडेट कर देते हैं, ओके। एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए अब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस साल तो देखिए कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई नेगेटिव नहीं है, तो बस आप सिंपली को कर लो सेट ऑफ, वैलिडेट, नेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए अब इस बार आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, जो पिछले साल लॉस हुआ दैट इज अमाउंटिंग टू 74,000,
वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है, आपको देना है कि कौन से प्री असेसमेंट ईयर से रिलेटेड है ये, 21-22, राइट। और डेट ऑफ फाइलिंग क्या है, तो देखो आपको गिवन डेट ऑफ फाइलिंग दैट इज 15 जून 2021 लिखेंगे डेट। और लॉस कितना है, 74,000, नेगेटिव मत लिखना बिकॉज ये ऑलरेडी लॉस है, तो बस 74,000 लिखना है, ऑल राइट। बस और कुछ नहीं लिखना, जस्ट सिंपली कंप्यूट सेट ऑफ वैलिडेट एंड देन नेक्स्ट, दैट्स इट। नाउ दिस इज ATD, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली अगेन, फॉर पेरेंट्स का भी हमें नहीं करना बिकॉज वो मदर और फादर लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मिलेगी नहीं। वैलिडेट नेक्स्ट, एंड ये हो गया आपका ATD हो गया, ATGG हमें चाहिए नहीं। अब आते हैं डायरेक्ट रिडक्शन से, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड देखिए क्या हो गया, कितना कंट्रीब्यूट किया था, 1,10,000 क्या था, सॉरी क्लास ये ना यहाँ पर ना 110 आएगा ना, हाँ 1,10,000 था, और 110 इसमें कंट्रीब्यूट करा, 2,200 उसमें कंट्रीब्यूट करा, तो टोटल कितना हो गया ये 1,11,22,00, राइट। इंटरेस्ट भी ऐड होगा इसमें। देन NPS में कितना किया, दैट इज अमाउंट इन रुपीज 20,000, मैक्सिमम कितनी होती है डिडक्शन 50,000 की, तो पूरा मिल जाएगा। देन मेडिकल इंश्योरेंस की मिलेगी नहीं, और उसकी नेशनल सेविंग की मिलेगी नहीं, और कौन सी डिडक्शन मिलेगी अगर आपको याद हो तो, सेक्शन 80 TTA, भूलना मत गलती से भी, आपको भूल के तो बस क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। 1,32,913, मैक्सिमम 10,000 मिल जाएगी, ऑल राइट। सो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट इज 1,42,200, ऑल राइट। और कोई इन्फॉर्मेशन हमें ये बनी नहीं है। PPF हो गया आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, NPS हो गया आपका, मेडिकल का मिलेगा नहीं, दैट्स इट। वैलिडेट नेक्स्ट, नाउ दिस इज रेडी टू एसेट्स एंड लायबिलिटी डिटेल्स, इसको यस करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, आपको जो डिटेल गिवन है एसेट्स की, सॉरी प्रॉपर्टी की, वो क्या है यहाँ पे, हम पूरे एड्रेस को देखो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे एरिया एंड लोकेटिव लिख देते हैं, रेलवे रोड, टाउन और सिटी हो गया दैट इज कन्नूर, स्टेट हो गया आपका केरला, पिन कोड आपको गिवन है दैट इज 67,000 3, अमाउंट कॉस्टिंग गिवन आपको 70 लाख, राइट। देन कमिंग टू मूवेबल एसेट्स, जो ज्वेलरी पास है नहीं, नो आर्कोलॉजी कलेक्शन, व्हीकल्स गिवन है दैट इज 6,50,000, देन कैश इन हैंड है बाकी तो 0,000,000, कैश इन हैंड अमाउंटिंग रुपीज 2,03,000, लोन टेकन टू परचेज का दैट इज 2,000, वैलिडेट। अच्छा कुछ, अच्छा हमसे ये पूछ रहा है, तो हमने रोड स्ट्रीट नहीं लिखा था, तो रोड स्ट्रीट हम लिख देते हैं, कुछ गिवन है हमें, न्यू स्ट्रीट लिख देते हैं, न्यू स्ट्रीट
and then validate. अच्छा हमने ये नहीं लिखा, ओके 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 सॉरी। वेरीगेट इट इज ओके। नेक्स्ट पहले आपको ये डिटेल लिखनी है, आईएफएससी कोड क्या है, SBIN 000 6521। मेक श्योर क्लास इस शीट में जैसे आप आओगे आपको पहले ये लिखना है, आपको कैलकुलेट बिल्कुल एंड में करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 7123 6547945, इसको हम टिक कर देंगे एंड नीचे इसको हम नो कर देंगे। देन गो टू अपवर्ड एंड देन वैलिडेट फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट रिलेटेड टू एडवांस टैक्स दो बार कटा है, सॉरी TDS का तो भी आएगा, ये एडवांस टैक्स एक ही बार दिया है। BSR कोड गिवन आपको 000 8610, डेट आपको गिवन है दैट इज 17th of April 2022, चालान नंबर गिवन आपको 601 एंड 34,000 इज द अमाउंट। वैलिडेट। नेक्स्ट टेन ऑफ द एम्प्लॉयर DELT 23698 D, name of the employer Tata Overseas Computers Limited, chargeable कितना, तो देखिए salary में amount 86,04,000 is 86,04,000, and the TDS paid by the employer that is amounting rupees 23,10,000. Then tax paid on lottery लिखेंगे। टेन ऑफ द लॉटरी अथॉरिटी MUMJ 521 368, फाइनेंशियल ईयर दिस TDS अमाउंट दैट इज 15,000, ग्रोस अमाउंट 50,000 एंड सेलेक्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दैट्स इट। वैलिडेट शीट, शीट इज ओके। नेक्स्ट में आपको जाना है लास्ट शीट में, पुट द फादर्स नेम अमर सिंह आनंद, and self validate, and then go back to part B TTI. First calculate tax, validate, sheet is okay. अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है आपका। देखिए सैलरी से आ रहा था दिस मच अमाउंट, हाउस प्रॉपर्टीज इतना आ रहा है, अदर सोर्सेज में ये था आपका जो बेसिक नॉर्मल इनकम में इतना था, लॉटरी वाले तो स्पेशल लगेगा तो 50,000 यहाँ पर अलग से होगा, राइट। देन यहाँ पर देखिए 74,000 ये एडजस्ट हो गया, लास्ट ईयर का जो लॉस था वो एडजस्ट हो गया,
then going down. The net tax liability, that is 30,59,483, right? And the final AP tax is, that is 8,14,680. आपको आंसर ये मैच करना है. हो सकता है आपका आंसर भी ये मैच हो जाए, बट अगर आप जब प्रैक्टिस करो पता नहीं कितने नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा. सो इट्स बेटर कि अभी के लिए आप सिर्फ इसको आंसर मैच करो. ऑल राइट, सो दिस इज द केस नंबर 5. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू.